नमस्कार, मैं हूं वंदना शर्मा। आप देख रहे हैं बिजनेस की बात प्रोग्राम। चीन के सामान के बहिष्कार करने को लेकर कैट यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की आवाज हमेशा से ही बुलंद रही है। आपको बता दें कि बीती 10 जून को कैट ने एक अभियान भी शुरू किया था, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल नारे को प्रोत्साहित कर रहा है। इतना ही नहीं, कैट ने दिसंबर 2021 तक चीनी सामानों के भारत द्वारा आयात में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए कम करने का टारगेट भी रखा है। इसके साथ ही कैट की ओर से चीन से आने वाले 3000 प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाई गई है। खास बात तो ये है कि इस सामान के यहाँ ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसे सामान भारत में पहले से उत्पादित हो रहे हैं। इस सूची में रोजमर्रा में काम आने वाली वस्तुएं, खिलौने, फर्निशिंग फैब्रिक, टेक्सटाइल, बिल्डर हार्डवेयर, फुटवेयर, गारमेंट, किचन का सामान, लगेज, हैंडबैग, कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन अपेरल, खाद्यान्न, घड़ियां, जेम्स और ज्वेलरी, वस्त्र, स्टेशनरी, कागज, घरेलू वस्तुएं, फर्नीचर, लाइटिंग, हेल्थ प्रोडक्ट्स, पैकेजिंग प्रोडक्ट, ऑटो पार्ट्स, यार्न, फेंग शुई आइटम्स, दिवाली और होली का सामान, चश्मे, टेपेस्ट्री मटेरियल आदि शामिल हैं। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने इस अभियान के बारे में कहा कि चीन से भारत का आयात लगभग 5.25 लाख करोड़ अर्थात 70 बिलियन डॉलर सालाना है। कैट ने प्रारंभिक चरण में 3000 से अधिक उत्पादों का चयन किया है, जो भारत में भी बनती हैं, लेकिन कम कीमत के लालच में चीन ने इस वस्तुओं को आयात किया जा रहा है। इन चीनी वस्तुओं के स्थान पर भारत में निर्मित वस्तुओं का प्रयोग काफी सहजता से किया जा सकता है और भारत इन वस्तुओं के लिए चीन पर अपनी निर्भरता को काफी कम कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में अनेक वस्तुएं ऐसी हैं जिनका निर्माण देशी और स्वदेशी कंपनियां भारत में कर रही हैं। फिलहाल ऐसी वस्तुओं को बहिष्कार के दायरे से बाहर रखा गया है। चीन में निर्मित वस्तुएं भारत में आयात ना हो, ये हमारे अभियान का उद्देश्य है, लेकिन बहिष्कार में हर प्रकार की चीनी एप्लीकेशन शामिल है। इसके साथ ही जिन उत्पादों में तकनीक महत्व है, अभी उनको बहिष्कार में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि जब तक इस प्रकार की तकनीक का विकल्प भारत में विकसित नहीं हो जाता या भारत के किसी मित्र देश द्वारा ये उत्पाद निर्मित नहीं होता, तब तक उस प्रकार की तकनीक वाली वस्तुओं के उपयोग के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। कैट के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र गोयल का कहना है कि इस अभियान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल को मजबूती मिलेगी। हालांकि भारतीय बाजार से चीनी सामान एक रात में नहीं हटेगा, लेकिन कैट की ओर से कदम बढ़ा दिए गए हैं और जल्द ही इस लक्ष्य को हासिल किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे नए यूजर हैं और हमारे चैनल से जुड़ी हर अपडेट को जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको हर अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओके क्रेडिट। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।